दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम। कल से एक वीडियो, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं एडिटर इन चीफ एयरटेल तेलंगाना न्यूज से हूँ। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, वो जहाँ पर को टीवी की न्यूज़ में, खबरनामे में एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की गई, उसमें मेरा नाम एक रिपोर्टर के हैसियत से बताया जा रहा है और उसमें एक फॉक्स न्यूज़, एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि मैं उसमें आके, कुछ लोग वहाँ पर फिल्म शूटिंग कर रहे थे वकबोट की लैंड पे, जिसमें कोई एक रिपोर्टर जाके वहाँ से न्यूज़ कवर करा। वो रिपोर्टर के पास ना हमारा आईडी कार्ड है, ना वो रिपोर्टर से हमारा कोई ताल्लुक़ है। वो रिपोर्टर के पास हमारा एक लोगो एक प्रोग्राम के दौरान रह गया था, तो वो रिपोर्टर के वो वहाँ पर वो लोगो लगाया था वो न्यूज़ लेने के लिए करें। बहरहाल वहाँ पर वो चार पांच चैनलों के साथ हमारा लोगो लगाया था वो रिपोर्टर, लगा के जैसो कुछ उस पर एलिगेशन है कि वो पैसे लिया करा। वो अभी वो नहीं मालूम है, वो केस बुक हुआ वो नहीं हुआ, हमारे सोर्सेज से मालूम हुआ कोई केस भी बुक नहीं हुआ। तो इस पे हमारा लोगो वहाँ पर लगा हुआ था, वो वहाँ पर रहने के बावजूद था बोल के फोर टीवी वाले, जो पता नहीं हमारे चैनल से उनको क्या दुश्मनी है, हमारे चैनल से क्यों इतनी जलन हसद है उनको, हमारे चैनल पे मिलियंस के व्यूअरशिप है, उनकी दुकानात वो ये सब बंद हो रही है, इस वजह से वो एक जलन हसद में उन्होंने क्या किया, मेरी एक फ़ोटो व्हाट्सएप से निकाले, व्हाट्सएप से निकाल के जैसो उसमें न्यूज़ में डाल दिए कि मैंने वहाँ से वो ज़मीन में से कोई लोग वकबोट का जो वहाँ पर फिल्म शूटिंग चल रही है उनके पास से मेरे नाम के साथ मेरे फ़ोटो के साथ एक फेक न्यूज़ चला दिए। अब इसके लिए मैंने सैदाबाद पीएस में फो टीवी के ख़िलाफ़ कंप्लेन दी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जैसे इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाकर इनके ख़िलाफ़ डिफेमेशन केस भी डालने वाला हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि फो टीवी वाले इस वक्त उनकी इतनी जलन हसद पैदा हो गई कि उन लोग वेब चैनल के ख़िलाफ़ जाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते, किसी भी हद तक जा सकते वो लोग। अब देखिए मेरे जैसा कितने लोग को जैसे वो लोग जैसे ना ये ब्लैकमेलिंग ये चीज़ा करके कितने लोग के फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाले होंगे इसमें मेरे, ना वो रिपोर्टर से हमारा कोई कंसर्न है, ना मैं वहाँ कभी गया, ना मैं कभी बात करा, ना ही वो टॉपिक पे मेरे को मालूम। मुझे सिर्फ जैसे वो व्हाट्सएप के ज़रिए वो वीडियो वायरल हो रहा तो मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई एक मुद्दा था उसमें मेरी फ़ोटो आई। तो ये रिपोर्टर है फो टीवी के, हजामा है क्या है ना मालूम नहीं, बिना तहकीक किए बिना मालूम किए वो न्यूज़ वाले भी कैसा न्यूज़ डाल देते, इतना बड़ा चैनल है वो, इतने साल पुराना चैनल है, उसके मैनेजमेंट को पता नहीं है बिना तहकीक करे कैसा डालते न्यूज़। उनके ऊपर सख्त से सख्त मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, उन पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनके मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट दे दिया है और बहुत जल्द इनके मैंने इनके लिए इनके ऊपर जैसे कोर्ट में जाके डिफेमेशन केस डालने वाला हूँ। तो अभी मैं एक अपील कर रहा हूँ सारी आवाम से कि ये चैनल वाले एक दादागिरी एक गुंडागिरी में आ गए, अगर इनके रिपोर्टर्स की बात अगर आप नहीं माने, अगर आप नहीं सुने कोई वीडियो ये लोग बोले अगर डिलीट कर दो आप अगर नहीं सुने, तो ये लोग आपको नहीं छूटे कौन सी भी एक ये अभी जैसा डाले फेक न्यूज़, ऐसे एक फेक न्यूज़ डाल के आपकी फ़ोटो जैसे फो टीवी पर डाल के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहे। तो ये एक ब्लैकमेलिंग, एक धोखाधारी, एक गुंडागिरी की चीज़ें ये कर रहे हैं। तो मेरी एक पुलिस कमिश्नर से और हमारे DCP साहब से इस जोन के सबसे एक दरख्वास्त है, एक अपील है कि ऐसे चैनल्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो एक मासूम आवाम के साथ क्या नहीं कर सक रहे हैं, मामूली सी दूसरे रिपोर्टर्स के साथ क्या नहीं कर सकते। वो लोग समझे कि हम आपको डराएंगे, ऐसा डाल देंगे, ऐसा हम उनके आवाज़ सुन के खामोश हो जाएंगे, हम डर जाएंगे, हैबत खा जाएंगे, समझे थे वो लोग। हम डरने वालों में से नहीं है, हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दी है, हम इंशाल्लाह सच्चाई का अल्लाह ताला साथ देने वाला है। और ये लोग जैसे ना हमेशा एक गलत न्यूज़ लोगों को फंसाने के साजिश में रहते हैं, वो वीडियो जो लोग डाले हैं
वो हमारे से माफ़ी मांगना या हम जैसे उन पर डिफामेशन केस डालने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया।